मॉड्यूल ट्वेंटी नाइन पोस्ट रोमैटिक ग्रोथ सो वाट इज़ पोस्ट रोमैटिक ग्रोथ पोस्ट रोमैटिक ग्रोथ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि वैन द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग एनी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एंड आफ्टर दैट ही और शी इज मूविंग टूवर्ड्स द लाइफ विद अ मोर पॉजिटिव अप्रोच लाइक मोर पॉजिटिवली साइकलॉजिकली बेटर पर्सन ठीक है तो जिस वक़्त इंसान किसी भी डिस्ट्रेस को या किसी भी ट्रामा को या किसी भी स्ट्रेस को फेस करता है एंड बाई फेसिंग दैट स्ट्रेस रदर दैन गोइंग इन टू अल एडजस्टमेंट वो शख्स जो है उसकी फंक्शनिंग लेवल बेटर होती है और वो लाइफ को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना शुरू करता है और दुनिया को देखने का एक नया एंगल जो है वो ड्राइव करता है थ्रू दैट ट्रॉमा तो उसको हम कहते हैं कि ये शख्स जो है उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो पोस्ट रोमेटिक ग्रोथ है अब बेसिकली बच्चों के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर कम लिटरेचर हमें मिलता है लेकिन मोस्टली जो पोस्ट रोमेटिक ग्रोथ के लिए फाइव डोमेन्स जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो उसमें जो पहली डोमेन है वो पर्सनल ग्रोथ कहलाती है सेकंड जो है वो क्लोज रिलेशनशिप के अंदर जो ग्रोथ आती है वो है देन अ ग्रेटर अप्रिसशन फॉर लाइफ है न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है तो अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि बेसिकली ये ग्रोथ किस तरह रिफ्लेक्ट होती है किसी भी शख्स के अंदर फॉर एक्ज़ाम्पल पर्सनल ग्रोथ किस तरह रिफ्लेक्ट होगी कि इफ फ़र्स्ट पर्सन इज़ संग वाई दिस इज़ हेपनिंग टू टू मी तो उसकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा ऑप्टोमिस्टिक हो जाएगी इन दट सेंस दैट आई कैन डू दैट थिंग ठीक है तो ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग्स ऐसी डिवेलप होंगी जिससे उसके अंदर सेल्फ रिलयंस जो है वो जनरेट होगी और उसको ये एहसास होगा कि ही और शी कैन बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट थिंग्स इस तरह के लोग आम तौर पर किस तरह के वर्बेटम्स देते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कह सकते हैं इफ़ आई हैंडल दिस दैन आई कैन हैंडल जस्ट अबाउट एनी थिंग ठीक है this, अगर मैं इस हादसे को फेस uh, कर सकता हूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ ठीक है तो इस किस्म के जो वह बेटम्स हैं वो आपको सुनने में मिलेंगे क्लोज रिलेशनशिप जो है वो उनके इम्प्रूव होते हैं यानी अगर पहले वो इंटरेक्शन करने से डरते हैं तो उसके बाद वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं क्योंकि दे फील दम सेल्फ बेटर उनको ये आइडिया हो जाता है कि जब टाइम ऑफ डिस्ट्रेस आता है या डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो जो लोग होते हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं और ये जो हेल्पिंग की सेंस है वो उनके अंदर क्लोजनेस डेवलप करती है टूवर्ड्स द अदर पीपल और इसी दौरान डिफरेंट लोग डिफरेंट किस्म की मैनीफेस्टेशन uh, दे सकते हैं अपने इस क्लोज uh, रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए फॉर एग्जांपल जो फाइंड आउट हु real रियल फ्रेंड्स आर इन situation लाइक दिस जैसा हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता है कि जब कोई मुश्किल वक़्त आता है उस वक़्त पता चलता है कि हु इज़ योर रियल फ्रेंड तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये इन लोगों को रियलाइज होती हैं और ये जो रिलेशनशिप हैं इनके क्लोज़ कनेक्शन डिफरेंट लोगों से आफ्टर स्ट्रेस या आफ़्टर ट्रामा जो है वो डिवेलप होते हैं देन ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर लाइफ यानी पहले अगर रिजेंटमेंट्स इनके अंदर होती हैं तो वो मूव कर जाती हैं टूवर्ड्स द ग्रैटिट्यूड ठीक है उनको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ एकदम से चेंज हो जाती हैं उन्हें ये समझ आना शुरू होता है कि बहुत सी चीज़ें जिनको वो अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट समझते हैं शायद वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इफ़ दे आर सीकिंग ग्रैटिफिकेसन फ्रॉम द बिगर थिंग्स तो उनका जो मेंटल सेट है वो चेंज हो जाता है एंड दे आर ट्राइंग टू आई गेट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग ठीक है फॉर एग्जाम्पल पर्सन कैन दैट इवन द स्मॉलेस्ट जॉयज इन लाइफ टुक ऑन अ स्पेशल मीनिंग आई टेक टाइम टू स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस ठीक है यानी ये वो चीज़ें हैं जिनको हम आम रूटीन के अंदर इग्नोर कर देते हैं लेकिन अगर किसी ने कोई लाइफ थ्रेटनिंग ट्रामा जो है उसको फेस किया है तो माइंड में उसकी जो थाट है वो इस तरह चेंज हो सकती है देन द न्यू पॉसिबिलिटीज यानी लोग जो हैं वो पहले अगर चीज़ों को एक तरीके से सॉल्व करने के या देखने के आदि होते हैं तो आफ्टर द ट्रॉमा दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट द न्यू ऑप्शन ठीक है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करते हैं रादर देन मूविंग टूवर्ड्स द सिंगल डायरेक्शन तो इसकी वजह से जो उनकी ओपननेस होती है फॉर गेटिंग डिफरेंट थिंग्स वो जो है वो बढ़ जाती है ठीक है और उनको फियर ऑफ लॉस जो है वो उनका कम हो जाता है एंड दे आर जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स ओके देन द लास्ट वन इज़ द स्परिचुअल ग्रोथ जिसके अंदर इफ़ द पर्सन इज होप लेस बिफोर द ट्रामा तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और उनको ये आइडिया होना शुरू हो जाता है कि जो लाइफ है वो इससे ज़्यादा डीपर मीनिंग रखती है रादर देन के जो वो uh, वैसे ही उसके बारे में सोचते हैं तो जो स्परिचुअलिटी का एलिमेंट है ये जो सेंस है कि वी आर नॉट अलोन ये उनके अंदर डेवलप हो जाती है एंड दे फील दैट देयर इज़ समवन हु इज़ प्रोटेक्टिंग देम तो जो स्परिचुअल डेवलपमेंट है uh, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट uh, डेवलपमेंट uh, है आफ्टर द पोस्ट रोमैटिक ग्रोथ थैंक यू